नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के MQs की। दोस्तों, इस वीडियो में 50 प्रश्न रहेंगे जो कि ओनली मध्य प्रदेश से हैं और यह MPPSC और व्यापम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे एक हर बार की तरह एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के प्रश्न की पर चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, एकलव्य शिक्षा योजना का विकास है तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को शिक्षित करना। दोस्तों, जो जंगलों में तेंदुपत्ता होते हैं जिससे बीड़ी बनती है, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षित करना। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है अगस्त 2014 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद दाउद्री खत्री की किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है बाग कला शिल्प के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 30 अप्रैल 2016 को। अगला प्रश्न है, सुशील जोशी को 2016 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है पद्मश्री से। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीपक विश्वकर्मा का संबंध किस कला से है? इसका आंसर है मूर्ति कला से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मुक्त दवा वितरण योजना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर 17 नवंबर 2012। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी कहाँ है? इसका आंसर है मुकुंदर पुर सतना में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा है? तो इसका आंसर है बड़जरी भोपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबरी महाकुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? इसका आंसर है दोस्तों अनूपपुर जिले में। अगला प्रश्न है, उज्जैन दी लैंड ऑफ सिंहस्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को जाना ही आप याद रहें कि उज्जैन दी लैंड ऑफ सिंहस्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इसका सही आंसर है विवेक देवराय। इसके बाद अगला प्रश्न है, रायसेन में प्लास्टिक पार्क का शिलालेख कब किया गया था? इसका आंसर 5 जून 2015। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और विश्व का चौथा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर है इंदौर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, महू स्टेशन का नाम क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन। जी दोस्तों, यह एक इंदौर के पास स्टेशन है जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू में। तो महू का नाम, नया नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन रख दिया गया है, तो ये स्टेशन का नाम है ओनली। इसके बाद अगला प्रश्न है, संत हृदय राम नगर स्टेशन का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है बैरागढ़ रेलवे स्टेशन भोपाल। इसके बाद अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ कहाँ स्थापित हैं? इसका आंसर मंदसौर, छिंदवाड़ा, मंडला, होशंगाबाद, खारगोन और भिंड में। के बाद अगला प्रश्न है, अटल ज्योति अभियान का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है 20 जनवरी 2013 को जबलपुर से। अगला प्रश्न, कपिल धारा योजना केंद्र किस योजना के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है मनरेगा के। अगला प्रश्न, 2016 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया? इसका आंसर गरीब कल्याण वर्ष। अगला प्रश्न है, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सेवाओं के पहले वेब पोर्टल का क्या नाम है? दोस्तों, इसका आंसर है ई संचाई का। इसके बाद अगला प्रश्न, डबरी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर है अलीराजपुर से।
अगला प्रश्न, हर्ष यादव का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है दोस्तों मल खम्ब से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किस जिले से हुआ था? इसका आंसर है दोस्तों शहडोल जिला से। अगला प्रश्न, डायल 100 योजना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर 1 नवंबर 2015 को। अगला प्रश्न, मोही कहाँ विश्राम नामक पुस्तक किस पर केंद्रित है? इसका आंसर है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पर। अगला प्रश्न, कर्मा किस जनजाति का लोक नाट्य है? जी हाँ दोस्तों, कर्मा किस जनजाति का लोक नाट्य है? इसका आंसर है दोस्तों बैगा जनजाति का। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची में मध्य प्रदेश के कौन से शहर शामिल किए गए? इसका आंसर है दोस्तों उज्जैन और ग्वालियर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, तेताजी का मेला किस जिले में लगता है? इसका आंसर है गुना जिले में। अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों अलीराजपुर। अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर है नेशनल हाईवे 76। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? इसका आंसर है दोस्तों मुंगावली अशोकनगर जिले में। अगला प्रश्न है, पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना किसने करवाई थी? इसका आंसर है दोस्तों श्री स्वामी जी महाराज ने। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है शिवपुरी जिले में। इसके बाद अगला प्रश्न है, काली मूछ वाले चावल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका आंसर है भिंड जिला। और अगला प्रश्न है, अलीराजपुर जिला किस जिले को अलग करके बनाया गया था? तो इसका आंसर है झाबुआ जिले को, सॉरी दोस्तों झाबुआ जिले से अलग करके अलीराजपुर जिला बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, खारगोन जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है दोस्तों इंदौर संभाग के। अगला प्रश्न है, गांधी सागर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों मंदसौर जिले में। अगला प्रश्न, लेदर कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों देवास जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और एमपी का एक शहर है जो मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वह शहर है शिवनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भृगु ऋषि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों इसका आंसर है अनूपपुर जिला। अगला प्रश्न है, भरतकूप किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सतना जिला में। इसके बाद अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों जुलाई 2011 में। इसके बाद अगला प्रश्न, फैन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों फैन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है मंडला जिला। अगला प्रश्न, कट मैना और बिछवार किस जनजाति की उपजाति है? जी हाँ, ये दो जनजाति हैं, एक कटमैन और बिछवार, यह दो जनजाति किस जनजाति की उप जनजाति है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेगा जनजाति की। इसके बाद अगला प्रश्न, अटारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों अटारी नृत्य का संबंध भूमि भूमिया जनजाति से है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व आधा आधिकारिक शुभांग क्या है? तो कान्हा टाइगर का आधिकारिक शुभांग है भूरसिंह यानी कि बरसिंघा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है सागर जिले में। इसके बाद अगला प्रश्न, औद्योगिक विकास केंद्र मनेरी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है मंडला जिले में। इसके बाद अगला प्रश्न, कालिदास अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, कालिदास अकेडमी की स्थापना भोपाल में की गई थी और 1977-78 में की गई थी। और चलते हैं अगले प्रश्न पर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, सजनी नृत्य और नवाखानी पर्व का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों इसका सही आंसर है गौण जनजाति से। दोस्तों
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों बाय।